भंडारे वाले कद्दू की सब्जी को देख के ना मुंह में पानी आ जाता है। पर ये सब्जी बनती कैसे है, इसकी रेसिपी क्या है? तो दोस्तों, आज मैं भंडारे वाले कद्दू की रेसिपी लेके आ रही हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही गजब की बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप एक बार इसे देखोगे तो आप पुराना तरीका भूल जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी शोभा रावत और आपका मेरे चैनल खुशमिजाज जिंदगी में एक बार फिर से स्वागत है। चलो फिर जल्दी से भंडारे वाले कद्दू की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। अब कद्दू की सब्जी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें कद्दू चाहिए। तो यहाँ पे मैं दो जनों के लिए बना रही हूँ, तो 250 ग्राम कद्दू लिया है। अगर आप ज़्यादा जनों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा कद्दू ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो बीज होता है ना, उसे साफ़ कर लेते हैं। इसके अंदर जितना भी बीज था वो सारा मैंने निकाल लिया है, इसके अंदर बीज नहीं होना चाहिए। अब हम कद्दू को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कद्दू के छोटे छोटे पीसेस रख रही हूँ। अगर आपको बड़े बड़े पीसेस पसंद हैं तो आप बड़े पीस रख सकते हैं। कद्दू को मैंने इक्वल पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे एक बार साफ पानी से धो लेती हूँ। आप चलते हैं कद्दू बनाने के प्रोसेस पर। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, कढ़ाई हो चुकी है गर्म। इसमें डाल रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखूँगी ताकि जो हमारी कद्दू की सब्जी है ना, वो बिल्कुल भंडारे जैसे कद्दू की सब्जी बने। अब इसमें मेथी डालूँगी। दोस्तों, जब भी कद्दू की सब्जी बनाएं तो मेथी ही डालें। मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी कद्दू बनती है। अब इसमें 2 सूखी मिर्च डाली है। सूखी मिर्च डालने के बाद मैं कद्दू डाल लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं कद्दू को अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि जो हमारी सब्जी है ना, वो टेस्टी बने। तो भुनने का यहाँ पे थोड़ा सा रोल रहता है ताकि हमारी सब्जी अच्छी बने। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाऊँगी। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा है, मीडियम हाई फ्लेम पे ही कद्दू पकाऊँगी। 2 से 3 मिनट होने के बाद इसे थोड़ा सा चला लेती हूँ और फिर डाल लेते हैं मसाले। यहाँ पे मैं मसाले बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 हल्दी पाउडर। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच डाला है। हमारी सब्जी में जो कलर आएगा ना, वो कश्मीरी लाल मिर्च से ही आएगा। भंडारे में जो सब्जी देखी होगी आपने, वो उसमें एक रेडनेस कलर होता है, बहुत ही अच्छा ग्रेस होता है, तो वो कश्मीरी लाल मिर्च से ही होता है। अब इन मसालों को अच्छे से चला लेती हूँ। अब डाल लेते हैं इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि कद्दू बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप 1 कप पानी डाल सकते हैं, और आपको लगता है कि उतना हार्ड नहीं है, थोड़ा हमारा कद्दू सॉफ्ट है, तो आप इसमें 1/2 कप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी डाला है। अब इसे अच्छे से चलाने के बाद 5 से 7 मिनट कद्दू को ढक के पकाऊंगी। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारी कद्दू काफ़ी अच्छे से पक गई है। थोड़ा सा इसे चला लेती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ पीसेस को मैश कर रही हूँ ताकि जो हमारी सब्जी है ना, वो थोड़ा सा अच्छी लगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल लेते हैं गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं, पर इसमें मीठा डालना ज़रूरी है, तभी हमारी सब्जी टेस्टी बनेगी और बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी बनेगी। सब्जी को अच्छे से चला लेती हूँ ताकि गुड़ उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब डाल लेती हूँ उसमें 1/4 आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से हमारी सब्जी में थोड़ा सा खट्टापन आएगा ताकि जो हमारी सब्जी है ना, वो खट्टी मीठी बने। अब इसमें डाल रही हूँ मैं अपना सीक्रेट ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों, एक बार ड्राई फ्रूट डाल के देखना, आपको सब्जी बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही गजब की बनेगी। अगर आप ड्राई फ्रूट डाल के सब्जी बनाएंगे, इस तरीके से सब्जी बनाएंगे, तो आप पुराना तरीका बिल्कुल भूल जाएंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद सब्जी को 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सब्जी को थोड़ा सा चलाने के बाद गैस को ऑफ कर लेती हूँ। गैस ऑफ करने के बाद कर लेती हूँ इसे प्लेट आउट। मैंने यहाँ पे बाउल में सर्व करा है, आप किसी में भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, लग रही है ना बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी। दोस्तों, आप इस भंडारे वाली सब्जी को किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, सब में बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कद्दू की सब्जी की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए।